मैम कैसी लगी आपको? जी मुझे काफ़ी अच्छी लगी पिक्चर, और स्पेशल इफेक्ट्स तो बहुत अच्छे, स्पेशल इफेक्ट्स भी बहुत अच्छे लगे, तो हमने काफ़ी एंजॉय किया, और मुझे लगता है कि लोगों को ज़रूर पिक्चर देखनी चाहिए। कहानी वगैरह कैसी, किस तरीके से बनाई गई है, कितनी इंटरेस्टिंग लग रही, कितनी ग्रिपिंग लग रही? काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और इट वॉज़ वेरी ग्रिपिंग, और स्पेशल इफेक्ट्स तो खास करके बहुत अच्छे लगे और देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। कॉमेडी भी था और फर्स्ट वन भी अच्छा था और सेकेंड में भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बाकी सब लोगों का काम वगैरह कैसा है आपके हिसाब से? बहुत अच्छा है, लोगों को कैसा? माय फेवरेट, और राज कुमार भी बहुत। बाकी उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट्स भी है, वो कैसे है? सब हम लोग को लेट हुआ मूवी देखने में, लेकिन जो भी देखा बहुत मजा आया। व्हाट्स योर रेटिंग आउट ऑफ 5? 5 out of 5। बहुत ही खूबसूरत पिक्चर रही, काफ़ी इंटरेस्टिंग रही, बहुत मज़ा आया। सरकटे का आतंक कैसा लगा? बहुत डरावना और बहुत ज़बरदस्त, परिवार के साथ देखने लायक मूवी है, मज़ा आ गया है। क्या और बाकी सब स्टार कास्ट के बारे में, सब लोगों के काम के बारे में? स्टार्स ने अपनी अदाकारी बहुत खूबसूरती से निभाई है, और जितनी तारीफ करें उतना कम है, और बहुत मज़ा आया पिक्चर देखने में, एक नई तरह का अनुभव हुआ फिल्म को देखने में, ऐसा लगा कि एक जानदार पिक्चर आई है। और कैमियोस वगैरह कैसे लगे? सरप्राइजों के बाद ऐसी फिल्म देखने को मिली है जी। कैमियोस वगैरह कैसे लगे, सरप्राइजिंग एलिमेंट्स कैसे लगे? एक कॉन्फिडेंस आया ऐसा देखने पे, कॉन्फिडेंस हुआ और बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। लोगों को क्या कहना रहेगा? लोगों को मेरा संदेश है कि पिक्चर थिएटर में जाएं और पिक्चर देखें, काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म, बहुत धमाकेदार। थैंक यू। मैंने परफॉर्मेंसेज एंजॉय की है, एंड काफ़ी अलग था और नया भी था, फिल्म बहुत डरावनी है वैसे देखो तो। डरावनी और हॉरर दोनों का एलिमेंट कितना पावरफुल लग रहा है? बहुत है, कॉमिक टाइमिंग भी अच्छा है। लोग इस फिल्म को एंजॉय करेंगे? ज़रूर एंजॉय करेंगे, बिकॉज ये फिल्म में बहुत सारे सरप्राइजेज हैं। श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, बाकी सब टैलेंट्स के बारे में क्या कहना? श्रद्धा कपूर का काम सबसे ज़्यादा बेस्ट है मुझे, वो राजकुमार राव और श्रद्धा दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। 4 stars, बहुत अच्छी, गुड मूवी। क्या बेस्ट लगा फिल्म में, क्या सबसे ज़्यादा एंजॉय? पूरा धमाल है, स्टार्ट टू एंड धमाल है, और आप लोगों को अच्छा लगेगा। हॉरर एंड कॉमेडी एलिमेंट सब मिक्स ऑफ एवरीथिंग, कॉमेडी, हॉरर, गूज़बम्प्स भी आएंगे आपको, अच्छा बैकग्राउंड है। कैमियोस वगैरह कैसे हैं? एवरीथिंग लाइक वेरी वेरी एंजॉय, फुल पैसा वसूल, फुल पैसा। क्या लगता है इंडिपेंडेंस डे का, यू नो? या ये पूरी खा जाएगी पिक्चर सबके लिए। एंड बाकी सब, बाकी स्टोरी लाइन कौन सी? अच्छा, मतलब यू शुड एंजॉय द मूवी, बहुत अच्छा है। और थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए एक्साइटेड हो गए थे? हाँ, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए एक्साइटेड हो गए है ना, अभी तो उन्होंने दिखाया, अभी लेट्स सी, तो सीक्वल तो जरूर आएगा, और ऐसे ही इसे शायद इससे बेहतर होगा। रेटिंग आउट ऑफ 5? आई लव इट, आई वाज 3 प्रो फैन, सो या। व्हाट यू एंजॉयड द मोस्ट अबाउट द फिल्म, हॉरर और कॉमेडी? बोथ 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 बोथ। क्या कहना रहेगा सब लोगों के काम के बारे में? वॉच इट, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, अभिषेक बनर्जी इज स्टीलिंग द शो। सरप्राइजेस के बारे में क्या कहना रहेगा, जो कैमरास एंड सरप्राइजेस? वेरी नाइस, व्हाट इज क्वाइट कूल, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, आई डोंट वांट टू रिवील एनीथिंग, जस्ट वॉच इट।